यस क्लास, यूपी साइनिंग पेपर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पर रिलेटेड टू ओड वन आउट। आपको पता है डिफरेंट आपने बताना होता है तो किसमें बताना होता है, ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस में। वो किससे रिलेटेड होते हैं, आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर से। ठीक है, डी एफ एच तो पोजिशन वैल्यू लिखोगे आप डी फोर एफ सिक्स एच एट। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे इसमें कितना प्लस हो रहा है, डी फोर एफ सिक्स एच एट टू टू प्लस हो रहा है, ऐसी के इलेवन एम थर्टीन ओ फिफ्टीन कितना प्लस हो रहा है, टू प्लस हो रहा है। इन द सेम वे आर टी वी में टू टू प्लस हो रहा है। जब आप फोर्थ वन लिखोगे टी डब्ल्यू जेड टी ट्वेंटी डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री जेड ट्वेंटी सिक्स, आपको पता है लेटर्स को देखते ही सबसे पहले काम होता है पोजिशन वैल्यू लिखना। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है थ्री प्लस, यहाँ पर भी क्या हो रहा है थ्री प्लस, तो ओड वन आउट मिल गया। सब में टू टू प्लस हो रहा था बट इस क्वेश्चन में थ्री थ्री प्लस हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन टी डब्ल्यू जेड। क्लियर, मैच कर लिया अर्ना। 177 चेक करो ये वाला, 177 में क्या हो रहा है, रिलेटेड टू वर्बल सीरीज क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। फाइव के बाद 16 आया है, इन्होंने क्या किया इंटू थ्री प्लस वन, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू थ्री प्लस थ्री फिफ्टी वन इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू थ्री प्लस सेवन। ठीक है, ओड वन आउट को आपने प्लस करना है, इंटू थ्री प्लस वन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस फाइव, नेक्स्ट विल बी इंटू थ्री प्लस सेवन, तो आंसर विल बी 481 डी ऑप्शन। क्लियर मृदुल, चलो नेक्स्ट वन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 178 टिक करते रहो अपनी नोटबुक में। ठीक है निशांत, आप विजिबल नहीं हो रहे हो प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन रिलेटेड टू कनेक्शन या रिलेशन। आपको बताया हुआ है एनालॉजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, कनेक्शन वाले, या सिमिलरिटीज बतानी होती है, रिलेशन देखना होता है। जी जे और क्यू यू में क्या रिलेशन है, जी सेवन पर आता है जे टेन पर आता है, थ्री प्लस हो रहा है आपस में, क्यू सेवनटीन पर आता है यू ट्वेंटी वन पर आता है, कितना प्लस हो रहा है, फोर प्लस हो रहा है। आपको भी वही ऑप्शन चेक करना है जिसमें पहले थ्री प्लस हो रहा है और फोर, डायरेक्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं, ए वन डी फोर थ्री प्लस हो रहा है, एस नाइनटीन डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री फोर प्लस हो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्लियर, आंसर टिक करते रहो जो उनसे सही हो रहे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको कैट इज इक्वल टू 24 वाला करवाया था, मद्रास की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती थी, याद है कोडिंग डिकोडिंग में, याद है सबको, कैट इज इक्वल टू 24 और मद्रास की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। इसमें देखो क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन में पी एन इज इक्वल टू 31, क्या किया है, पी की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू एन की वैल्यू, पी इज इक्वल टू 16 एन ए वन एन 14, सबको लिखा और प्लस कर दिया 31 आ गया। ऐसी पी ए आर इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, चेक करो कैसे आया, सबकी पोजीशन वैल्यू लिखी लेटर्स की प्लस कर दिया। आप भी क्या करोगे, पी ए टी पी पोजिशन वैल्यू 16 ए वन टी 20 इज इक्वल टू 37। क्लियर, तो आंसर आ रहा है आपका इसका बी ऑप्शन, टिक करते जाओ बच्चे। 180th फिर से एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया रिलेशनशिप वाला, 3 और 11 में रिलेशन चेक करो, क्या रिलेशन है, 3 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 11, तो आप 7 का रिलेशन बनाना है आपने, 7 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2 की है यहाँ पर, तो आप भी क्या करोगे, 7 स्क्वायर प्लस 2, आंसर विल बी डी पार्ट। अंश चेक कर लिया इतना, 181 में आपने रॉन्ग टर्म बतानी है, 236 दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2.5 से, जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 15, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। फिर 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3 से 45, 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 57.5, इसका मतलब यहाँ 12 के प्लेस पे क्या आना चाहिए था हमारा, 15 आना चाहिए था, 12 यहाँ पर रोंग टर्म है तो आपने रोंग नंबर ही बताना था। क्लियर मुकुल अभिनव तिवारी, क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें डेज ऑफ वीक का फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, नेक्स्ट विल बी फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हम कुछ और ही ट्रिक सोच रहे होते हैं।
नेक्स्ट मैच करते हैं 183 में. देखो बच्चे क्या हो रहा है, 0624 यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म. तो आपने चेक करना है जीरो कैसे आया, इन्होंने क्या किया, वन का क्यूब माइनस वन, सिक्स कैसे आया, टू का क्यूब माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस वन नहीं आएगा माइनस टू आएगा, गलती है, टू का क्यूब माइनस टू. नेक्स्ट क्या आएगा, थ्री का क्यूब माइनस थ्री, फोर का क्यूब माइनस फोर, फाइव का क्यूब माइनस फाइव, वन का क्यूब जिसका क्यूब कर रहे हो उसी को माइनस करना है, वन क्यूब माइनस वन, टू क्यूब माइनस टू, थ्री क्यूब माइनस थ्री, फोर क्यूब माइनस फोर, आंसर विल बी 60. फोर क्यूब क्या होता है, 64. पता है सबको फोर क्यूब, सिखाए हुए क्यूब निकालना, फोर इंटू फोर इंटू फोर, 64 माइनस फोर इज इक्वल टू 60. क्लियर जय, ए ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास 26.5, फिर से फोर डॉट्स वाला पीपीटी का वर्ब ये चैप्टर है जो एनोलॉजी में आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया हुआ है, टाइप आपकी अकॉर्डिंग टू नंबर बेस्ड. याद है सेकंड क्वेश्चन सेम यही है. अभी कहती हूँ पीपीटी असाइनमेंट सैंपल्स पेपर मत छोड़ के जाना पेपर में कभी भी. आरएमएस का पेपर भी देख चुके हो इस बार, सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर पीपीटी वाले सैंपल पेपर वाले आए हुए, इसमें भी सेम ऐसी हो रहा है. 26.5 क्या रिलेशन बन रहा है, फाइव का स्केयर प्लस वन. 82 कैसे आया, किसका स्केयर प्लस वन करने से आएगा, नाइन का स्केयर प्लस वन, नाइन इंटू नाइन 81 प्लस वन 82. तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन. 185 चेक करो, आपको एंजल का कोड दिया हुआ है, स्केयर का कोड बताना है, सिंपल है. पहले आप पोजिशन वैल्यू लिख लोगे, उसके वर्ड की और उसके कोड की. अब क्या करोगे आप, ऊपर से नीचे डिफरेंस चेक करोगे, कितना हो रहा है यहाँ पे, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन. सेम पैटर्न आप स्क्वायर में फॉलो करोगे, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन. समझ आया, पोजीशन वैल्यू लिख के करना क्वेश्चन. अब आपको लग रहा है प्लस वन माइनस वन ही तो है, पोजीशन वैल्यू क्या लिखनी है, बट जब तक आप नहीं लिखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना पैटर्न कौन सा, उससे इजी हो जाता है नंबर लिख के. तो 185 का आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन. नेक्स्ट है आपके पास 186 सेम वर्बल सीरीज का. फाइव कैसे आया, टू का स्केयर प्लस वन, 26 थ्री क्यूब माइनस वन. इन्होंने क्या किया, पहले टू का स्केयर किया है, थ्री का क्यूब, फोर स्केयर, फाइव क्यूब, सिक्स स्केयर, सेवन क्यूब, एट स्केयर. समझ आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले स्केयर क्यूब, फिर उन्होंने क्या किया, ओड नंबर को पहले प्लस किया फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट स्केयर प्लस सेवन, एट स्केयर इज इक्वल टू 64 प्लस सेवन इज इक्वल टू 71, सी ऑप्शन. यहां तक सबको क्लियर है क्वेश्चंस, अलित्या, देव, धैर्य, मृदुल, सभी बच्चों को क्लियर यहां तक. लास्ट नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स. वो कह रहे जो लास्ट 15 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट के उसको रिवर्स कर दो. अब टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26. वो कह रहे हैं लास्ट 15 को रिवर्स कर दो, यानी 11 लेटर्स तो आपने एज इट इज लिखने स्टार्टिंग से 11, उसके बाद आपने रिवर्स स्टार्ट कर देना काउंटिंग. ठीक है, एल एम एन ओपी के ओआर एस टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. अब आपने बताना है 22nd नंबर फ्रॉम बिगनिंग, यानी आगे से काउंट करना है 22nd. 11 तक तो सेम है काउंटिंग, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22. कौन सा लेटर आ रहा है आपका, पी लेटर. हमें यही बताना था, अगर लास्ट के 15 लेटर को आप रिवर्स कर दोगे तो 22nd नंबर पर कौन सा लेटर आएगा स्टार्टिंग से. यहां तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट है ये वाला टाइम सीक्वेंस में क्वेश्चन करवाया हुआ है, फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे. कोई भी मंथ ले लो उसका फोर्थ डे सैटरडे है. आपने बताना है 26 जो डे है उससे 5 दिन पहले कौन सा दिन है. अगर फोर को सैटरडे है उसे उसके बाद सैटरडे कब आया था, फोर प्लस सेवन शॉर्टकट सिखाया हुए, सेवन डेज के बाद डे रिपीट होता है ना, फोर प्लस सेवन 11 को, 11 प्लस सेवन 18 को, 18 प्लस सेवन 25 को सैटरडे आया था, 26 को क्या आया, संडे आया. आपने बताना है 26 से 5 डेज पहले, 26 को संडे है, 25 को सैटरडे है, 24 को फ्राइडे है, 23 को थर्सडे है, 22 को वेनसडे है, 21 को ट्यूसडे. 5 दिन पहले, 1, 2, 3, 4, 5,
क्या डे आ रहा है? ट्यूजडे आ रहा है, समझ आया? फोर को दे रखा है 26 तक चले जाओ, फिर बैक हो जाओ 5 days, क्लियर? तो आंसर क्या आ रहा है आपका? बी ऑप्शन 188 का, सेम है, आपको ऐसे करवाए हुए क्लास में। नेक्स्ट वन देखो 189, इसमें क्या हो रहा है? कुट का कोट गिवन है और मार्जिन का, पैटर्न चेक करोगे -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1, सेम पैटर्न ये फॉलो करोगे। आप कहोगे मैम आपने सिखाया था अल्फाबेट टू अल्फाबेट में हमें चीटिंग करनी होती है, यही सिखाया था ना, बट इसमें हमने चीटिंग क्यों नहीं की? क्योंकि इसमें जो हमारे पास लेटर्स गिवन है वो यहाँ पर गिवन है, देखो ई का कोड ई ऊपर गिवन है, नहीं गिवन है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, पैटर्न चेक किया कि ऊपर और नीचे में क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है? तो आंसर आ रहा है आपका 189 का ए ऑप्शन। 190th में आपको ओड वन आउट बताना है, 324 आपको पता है 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ पे 625 आएगा, 25 का होता है 676, 26 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 861 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन जो गलत है यहाँ पर, क्लियर? 190th एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी नॉन वर्बल सीरीज टाइप है, कलरिंग हो रखी है, सर्कल में भी कलरिंग कर दोगे, आंसर विल बी बी ऑप्शन। 192 आपके सर्कल बाहर है, सेकंड फिगर में सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो आपके अभी क्या होगा, जो आपका सर्कल बाहर है वो अंदर आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है? तो 192 का सी है, 191 का बी था। 193 देखो, वन सर्कल टू सर्कल, वन स्क्वायर टू स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा? बी। 194 आपके पास लाइन अप में है, फिर डाउन में होगी और कलर में कलर होगी, अब ये लेफ्ट में है, राइट में आ जाएगी और कलर हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन। 195 ये देखो, एक साइड एरो था, दो साइड एरो हो गए, लाइन बन गई, ये एक साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों साइड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है? 196 का देखो, हॉर्स की हुफ होती है खुर, और ईगल की क्लो पंजा, तो इसका आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन। 197 बर्ड की विंग होती है, फिश की फिन, बी ऑप्शन। 198 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ई पोजीशन वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, जी 7 का स्क्वायर 49, आई 9 का स्क्वायर, के 11 का स्क्वायर, इन्होंने क्या किया बच्चे, पहले 5 का स्क्वायर किया है, फिर 7 का, ओड वन आउट नंबर लिए 9, फिर 11 ओड नंबर, नेक्स्ट आएगा 13 पर एम, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 × 13 169, तो आंसर क्या आ जाएगा 188 का ए ऑप्शन, क्लियर? मैच कर लिए यहां तक। 199 देखो, आपको नेक्स्ट बताना है, वर्बल सीरीज क्वेश्चन है, इन सब में क्या हो रहा है, हर लेटर की पोजीशन वैल्यू लिखोगे, सब में 3+ हो रहा है, तो आप भी 3+ कर दो सब में, सब में क्या हो रहा है, 3+ हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा सी वाई के डी ऑप्शन। जेड में 3+ करोगे सी आएगा, ये तो पता है ना सबको, ABCD स्टार्ट हो जाती है, बताया हुआ क्लास में। 200 क्वेश्चन, 2, 10, 30, 68, 130, नेक्स्ट टर्म बतानी है, 2 कैसे आया, 1 का क्यूब + 1, 10 कैसे आया, 2 का क्यूब + 2, 30 कैसे आया, 3 का क्यूब + 3, 68 4 का क्यूब + 4, 130 5 का क्यूब + 5, 6 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 216, उसमें 6+ कर दोगे क्या आ जाएगा, 222, डी ऑप्शन, क्लियर? सबने चेक कर लिया अपना पेपर? हाँ जी बोलो प्रीतम। हाँ जी बच्चे, मैम आपने 180 और 181 क्वेश्चन नहीं किया, 180 और 181 सारे क्वेश्चंस करवाए, और आपने 177 में आंसर आपने सही बता दिया और ऑप्शन गलत बता दिए। 180 मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया तो है बच्चे, 181 भी किए, दोनों किए डिस्कस, आपने ध्यान से सुना नहीं। 180 का आंसर आ रहा है आपके पास डी ऑप्शन, बताया था रिलेशन वाला,
थ्री का स्क्वायर प्लस टू, सेवन का स्क्वायर प्लस टू, इसमें भी बताया इंटू फाइव इंटू टू, 2.5, फिर 3 से, फिर 3.5 से। अलित्या बोलो। मैम 197 का क्या आंसर है? 197 फिन आएगा बच्चे। मैम क्या? फिन आएगा, फिन बी ऑप्शन। चलो ठीक है, अब हमारा पेपर डिस्कस हो गया। मार्क्स बताओ किसके कितने आए हैं। यस क्लास, मार्क्स बताओ। मार्क्स सेंड करो सब अपने। वेरी गुड। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन।